कर ले आधा घंटा रुक जा, फिर मान लेते जियो ट्रांसपोर्ट पर। ये ओनिंग का फ्रेम बनते हुए आप देख सकते हैं, जो फ्रंट चैनल लग चुका है। उसे क्या बोल दिया सर, वो चलाएगा नहीं से। स्टार्ट कर, आधा इंच की कर है, आधा इंच की। हाँ फिर स्टार्ट कर। ये इजी इंस्टॉलेशन की एक छोटी सी क्लिप है, आप देख सकते हैं कि पहले वॉल क्लंप लग गई है, पूरा कंपोनेंट तैयार हो गया है। लगाना है एक बारी, ये ऐसे लग जाएगी, ये लग गई और इसमें बोल्ट टाइट कर देंगे, ये कंप्लीट हो गई। आपके पास ये ऐसा मटेरियल आएगा, ये बिल्कुल इतना ही छोटा सा, और वह ऐसे ही हैंग होगा जो पहले मैंने आपको दिखाया था। अब मैं दिखाता हूँ फिल के बाद कैसा दिखेगा। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम डिलीवरी करते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी सोच का फ़र्क होता है, कोई भी इसको इजीली इंस्टॉल कर सकता है। हम यहाँ पूरा कंप्लीट करके भेजते हैं, आप देख सकते हैं ये फिल लगती है कि सामने, मतलब थोड़ा सा और सुंदर लगे ये प्रोडक्ट। बहुत ईजी है सब कुछ करना, बस थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद आपको और समझ में आ जाएगा कि और सुंदर वह चीज़ दिखेगी। ये फ्रिल लग गई, कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी ये सारा ऐसे ही कंप्लीट होके आएगा, सिर्फ आपको ये हैंग करना है। ये बस ये बीच में, फिर जैसे ये पूरा हो जाएगा ये काट देना बस। ये अब आपको खोल के ऑपरेट करके दिखाएंगे कि ऑपरेट कैसे होती है। बस ये ऐसे खोल लो और यूज लो, दैट्स इट। ये एडजस्टिंग बोल्ट होता है, अगर कभी भी इन फ्यूचर अगर ऊपर नीचे हो आपकी तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये ओनिंग बन के रेडी हो गई है, हम बिल्कुल सारा कंप्लीट करके कस्टमर को देते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कंप्लीट है ये, बस इसमें ये फोल्ड होगा और फोल्ड होने के बाद कस्टमर के पास ये डिलीवर हो जाएगा। अब बस जाके, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि आप सिर्फ हैंग करें और ऑपरेट करें, आपको कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी टेक्नीशियन को बुला के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगी आपको सारी चीज़ें। आप ये देख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट को विजिट करें और दिए हुए नंबर को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करें। और अभी आपको दिख रहा होगा फ्लैश हो रहा है नंबर, तो अभी कॉल करें और अधिक जानकारी के लिए। ये इजी टू इंस्टॉल है, ये उतार ली है, सिर्फ बोल्ट खोले हैं, वॉल क्लंप आप देख सकते हैं एज इट इज लगी हुई है, और ये अब इसको पैक कर रहे हैं। ये पैक हो गया, कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा। ये ऐसे ही अगला पीस चेक होगा, आप देख सकते हैं इसको कि चेकिंग के लिए ये लेके आ रहे हैं इसको, और यहाँ पूरे इसको हैंग करेंगे वही सेम सिस्टम से। ये हैंग करने के बाद इसको, इसकी एडजस्टमेंट करके इसको दोबारा फिर पैक कर देंगे। तो हमेशा कस्टमर को कभी भी ये डाउट ना रहे कि अगर हम प्रोडक्ट मंगाएंगे तो कैसा होगा, आप प्रोडक्ट देख सकते हैं कि कैसा है। और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करें या फिर दिए हुए नंबर पर कॉल करें।